वालेकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी माई शू कलेक्शन जो कि मैंने ली है लंडा बाज़ार से सो टाइम टू टाइम जहाँ भी मुझे जो भी अच्छा लगा मैं लेती रही सो so, uh, अब मेरे पास काफ़ी सारे जूते हो गए थे क्योंकि मुझे जूते इकट्ठे करने का और लेने का ना बहुत शौक हुआ था लास्ट टू थ्री इयर्स से सो मुझे बस जहाँ पे जूते अच्छे लगते थे मैं ले लेती थी इट डजेंट मैटर कि मैं ब्रांड पे ले रही हूँ जाके लंडे से ले रही हूँ जहाँ पे भी सो आप कहाँ से चीज़ ले रहे हैं ये इतना मैटर नहीं करता आप क्या चीज़ ले रहे हैं और आप उसे कैरी कैसे करते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है सो जी ये है मेरे ओवरऑल शूज़ जो मैंने लंडे से लिए हुए हैं इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नहीं आई कैन से कि आ, आगे आने वाली वीडियोस में से किसी वीडियो में मैं आपसे अपने बाकी शूज़ की कलेक्शन भी शेयर करूंगी जो कि मैंने ली हुई है प्रॉपर लाइक ब्रांडेड शॉप्स वगैरह से जहाँ पे से, सो जो कि लंडा बाज़ार से नहीं है सो ये है पहला जूता और ये मैंने आपको पहले भी अपने एक ब्लॉग में दिखाया था जब मैं लेकर आई थी और ये मुझे बहुत 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 अच्छा मिला था क्योंकि बिल्कुल न्यू विथ टैग और इसकी मुझे ब्लॉक हील जो थी इसी वजह से मैंने ये लिया था इसका कट भी इतना अच्छा बना हुआ है ये पहन के इतना प्यारा लगता है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल और ये मुझे मिला था आई थिंक फाइव हंड्रेड रुपीज इतने में ही था मेरे जो जो भी जूते हैं ना ये सारे इनमें सबसे जो एक्सपेंसिव होगा वो फाइव हंड्रेड का ही होगा वरना थ्री टू फाइव हंड्रेड की रेंज में सारे जूते लिए हुए हैं में, मैंने एंड एज़ यू कैन सी कि ये पहना हुआ भी इतना प्यारा और इतना एलिगेंट लगता है और ये बिल्कुल नहीं लगता कि आपने कहीं जा कर लंडा से उठाया कहाँ से उठाया यही मैंने आपसे कहा ना कि आप कहाँ से चीज़ लेते हैं ये मैटर नहीं करता आप उसे कैरी कैसे करते हैं और आप किस तरह से क्या चीज़ लेते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी होता है सो ये है मेरा रेड वाला शूज़ और इसके साथ ही जो मैंने दूसरा रेड शूज़ लिया था ये वाला जूता जब मैंने एक दफ़ा आपको लंडा बाजार का थोड़ा सा टूर करवाया था तो ये मैंने वहाँ से तब लिया था वैसे आई डोंट नो मैंने ये क्यों लिया था क्योंकि ये मैंने कोई पहना भी नहीं और ये मुझे लेने के बाद लगा कि मैंने शायद ऐसे ही ले लिया और ये मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगा था सो आई थिंक इसको मैं शायद ही कर दूँगी क्योंकि ये मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया था लेकिन ये है वैसे बहुत अच्छा इसकी कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी थी और इसकी हील जो 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 थी वेसिकली इसी की वजह से मैंने लिया था कि लॉन्ग वगैरह की वेडिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें आप कैरी इजीली कर सकते हो लहंगों के अंदर शरारों के अंदर ऐसी हील्स में आपका पाऊँ भी नहीं थकता है और आप बहुत कम्फर्टेबली है वो आप अटेंड कर लेते हो सो so, उस लिहाज से जूता बहुत अच्छा है बट आई इतना कोई हाथ पसंद आ नहीं रहा था सो so, है लेट्स सी कि मैं इसको कब कहाँ पहनती हूँ या नहीं भी पहनती हूँ और जी ये है एक कलर का जूता जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था मैंने एक्चुअली मेरे पास नियोन कलर में ना ऐसे कुछ जूते थे नहीं बस सब ब्लैक हैं वाइट हैं सब इस तरह के कॉमन कलर्स थे सो आई वॉन्टेड कि मैं ना एक डिफरेंट सा कलर का जो जूता है वो लूँ तो ये मुझे नज़र आया और ये मैंने ले लिया और ये था थ्री हंड्रेड का और ये मुझे बहुत अच्छा मिला था मतलब आप इसकी कंडीशन एज यू कैन सी के बहुत अच्छी है ये बिल्कुल जो था ना ये न्यू था सो so, मैंने इसलिए भी इस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लिया आया था और चले कोई नहीं और इस तरह के जो जूते हैं वो ब्लैक कलर के ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं एज़ यू कैन सी कि मेरे आज के जो उस वीडियो के लिए जो ड्रेस पहन था ना इसके साथ ऑलमोस्ट सारे ही जूते अच्छे लग रहे थे सो so, ये ब्लैक कलर के साथ बहुत अच्छा लगता है वाइट के साथ भी यू कैन वेयर न्यन जो होता है ना वो आपके वैसे ही पूरे लुक में एक स्पार्क एड कर देता है सो इस लिहाज से बहुत अच्छा है सो मेरा तो ये पर्सनली बहुत फेवरेट है अभी तक मैंने पहना नहीं है किसी भी ड्रेस के साथ सो इनशाला मैं जब भी ये पहनूँगी उसको स्टाइल करूँगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद क्योंकि मैंने इसको किस तरह के ड्रेस के साथ पहना है और ये भी कुछ महीने पहले ही मुझे ना कोट चूज़ का बहुत क्रेज हुआ था और मुझे व्हाइट में चाहिए थे लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं रहे थे मैंने इतना ढूंढ रही थी इतना ढूंढी थी मुझे नहीं मिल रहे थे सो फाइनली आई थॉट कि जाके ना लंडे में देखते हैं और ये मुझे वहाँ पे मिल गए और ये बिल्कुल न्यू थे और ये मुझे मिले थे आई थिंक 500 हंड्रेड रुपीज़ के 700 के थे सो so, ये मतलब इतने कंफर्टेबल कंडीशन इसकी 10 आउट ऑफ 10 थी और ये पहनने में भी बहुत मज़े का जूता है सो so, ये मुझे बहुत अच्छा जूता एक मिल गया था सो so, ये मैंने फ़ौरन से ले लिया था कि मैंने कहा इसको बिल्कुल निकल ही नहीं देना चाहिए एज़ यू कैन सी कि पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत स्मार्ट लगता है मतलब ये बिल्कुल भी वो उस तरह का नहीं है एक तो थे ना कोड शूज़ जो कि पहने में बहुत ही बुरे लगते हैं ये उस तरह का बिल्कुल नहीं था और उसके हील भी जो थी ये किटन हील टाइप स्मॉल हील थी और मुझे इसी में चाहिए था सो इट वॉज अ परफेक्ट शू और इसके साथ ही ये वाला जो जूता है ना ये मैंने बस ऐसे ही मुझे जब एक दफ़ा जूतों का क्रेज़ हुआ था ना तो मैं गई थी तो मैंने वहाँ पे देखा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये टेन आउट ऑफ टेन इसकी कंडीशन है इसका टैग लगा हुआ है ये बिल्कुल न्यू जूता था आप इसके बीट्स दे सकते हैं इतना ये प्यारा और इतना हसीन जूता है ना और ये मुझे मिला था आई थिंक थ्री फोर हंड्रेड रुपीज़ में ये इंस्टाग्राम uh, पर भी बहुत सारे थ्रिफ्ट स्टोर के जो ना है ना पेजेस हैं और ये वहाँ पे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ का था सेम यही जूता और ये पहन के इतना प्यारा और इतना एलिगेंट लगता है इसको ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं पार्टी वेयर और हाफ डिनर्स पे भी पहन सकते हैं सो इट्स इट्स अ वेरी एलिगेंट शूज़ है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसकी हाई हील भी थी मुझे हाई हील्स का बहुत शौक है हाई हील्स में लगता है कि आपका ना पूरा लुक ही चेंज हो जाता है आप बिल्कुल एक फॉर्मल सा आपका एक वो प्रेजेंटेशन जो है ना वो लगने लगती है सो so हील्स में डेफिनेटली अच्छी लगती है पहन के आप थकते तो जाते ही हैं और ये जूता जो है मैंने अपनी ईद के एक ड्रेस के साथ भी पहना था सो इसकी स्टाइलिंग जो थी मैंने इस ड्रेस के साथ की थी और ये पहनने में बहुत अच्छा लग रहा था और ये है ब्लैक जूता और इसकी हील जो है बेसिकली इसका जो डिज़ाइन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये पहनने में इतना कंफर्टेबल है इतना कंफर्टेबल है ना कि पूरा दिन पहन के मैं इसको चल सकती हूँ और ये बिल्कुल इसकी कंडीशन वगैरह सब कुछ बिल्कुल ए था और ये भी मुझे आई थिंक थ्री टू फोर हंड्रेड रुपीज़ का ही मिला था ये और ये मैंने लिया था पिंडी वाले सन्नी मार्केट से सो आप देखते तो जब आप चीज़ें लेने जाते हैं ना तो आपको नजर आ ही जाती हैं और आपने ना लेनी हो तब तो आपको ज़्यादा नजर आती हैं सो तब जब नज़र आएँ तो ले लेनी चाहिए और ये वाला जूता जो था इसको मैं ऑलरेडी एक ड्रेस के साथ स्टाइल कर चुकी हूँ इसी ड्रेस के साथ मैंने इसको पहना था पहले भी और ये बहुत अच्छा लगा था मतलब मैं मैं इसको पहन के लंच पर गई थी मतलब इस तरह का जूता है कि आप इसको ना कैजुअली भी कैरी कर सकते हैं और ये पहना बहुत अच्छा लगता है और इवन कि आप इसको वेस्टर्न वेयर्स के साथ भी बहुत अच्छा कैरी कर सकते हैं इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है और इसकी हील जो है वो भी पेंसिल नहीं है सो काइंड ऑफ लिटल ब्लॉक हील टाइप है इसकी तो वो पहने में बहुत कम्फर्टेबल है इसको वैसे मैंने अपने ईद के ड्रेस के साथ भी पहना था एज यू कैन सी कि इसका थोड़ा सा फॉर्मल मैंने डिनर पे कहीं जाना था और मैंने मतलब इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा था और ये जूता भी जो है टेन आउट ऑफ टेन और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जूता था और ये मुझे मिला था थ्री हंड्रेड रुपीज़ का ही क्योंकि मैंने आपको बताया ना सब जूते इसी रेंज के बिल्कुल भी इससे कोई महंगा महंगा जूता मैंने नहीं लिया हुआ ऐसा नहीं है कि महंगा जूता ले नहीं सकती आई कैन बट मुझे जहाँ चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेती ली मुझे ऐस, ऐसा कोई मसला नहीं होता कि कहाँ से ले रही हूँ और ये इतना कम्फर्टेबल है ये पहनने में मतलब ये आप इसको वेस्टर्न क्लोज के साथ इतना अच्छा कैरी कर सकते हैं और इवन कि ये आप जैसे आप डिनर पर जा रहे हैं उसके साथ भी बहुत अच्छा कैरी कर सकते हैं और पहना हुआ बहुत स्मार्ट लगता है जैसा कि आप देख रहे हैं इस ड्रेस के साथ भी ये बहुत अच्छा लग रहा था पहना इसे मैंने अभी तक स्टाइलिंग बिल्कुल भी नहीं की है सो आई सी कि मैं इसको कब पहनूँगी मैं मुझे जूते इकट्ठे करने का बहुत शौक है।, है लेकिन पहनती मैं बहुत कम ही हूँ क्योंकि बच्चों के साथ कहीं निकलना ना आपका वैसे ही मुश्किल होता है और फिर हील पहनना तो फिर और ही मुश्किल हो जाता है सो so, बस मोस्टली मैं ईदस पे और शादी वगैरह पर जो है पहन लेती हूँ हील्स वगैरह उसके अलावा हील्स पहनने का मौका बहुत कम मिलता है कितना अच्छा लग रहा है और जहाँ पे इतने सारी हील्स मैंने इकट्ठी किए हैं ना वहाँ पे मैंने कुछ थोड़े बहुत फ्लैट्स भी लिए हैं और ये वाला मुझे जूता बहुत यूनिक लगा था फ्लैट्स में तो मैंने ले लिया था या ब्लैक के साथ पहन सकते हैं मतलब तो बहुत सारे जूते कलर्स के जो कपड़े होते हैं ना उनके साथ पहना जाता है और यह पहनावा बहुत स्मार्ट लगता है इसको देखने में ना वैसे फर्स्ट टाइम जो मुझे आया था ना कि मतलब देखने में जिसको लगता है वो है जैसे वो स्नक वाला इफेक्ट दे रहा होता है स्नक प्रिंट वाला ये पहनावा भी मैं आपको भी दिखाती हूँ ये पहनावा बहुत स्मार्ट लगता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इतना ही कम्फर्टेबल है इसको पहन के मैं तीन चार घंटे चली हुई हूँ सो आई कैन सेक है कितना कम्फर्टेबल जूता है और पहन के आप देख सकते हैं कि कितना एलिगेंट लग रहा है इसका बहुत प्यारा लुक आता है बहन के और ये ये भी देखिए ब्लैक के साथ भी अच्छा लग रहा है ये ग्रीन के साथ भी अच्छा लगता है और ये वाइट के साथ भी आप पहन सकते हैं बहुत बहुत स्मार्ट होता है सो so, ये पर्सनली मेरा जो फ्लैट्स में ना मेरे ये फेवरेट है अच्छा मेरे पास फ्लैट्स की कलेक्शन ना बहुत शायद कम ही है मैं मोस्टली हील्स पर ही इन्वेस्ट करती रहती हूँ पहले मैं हाई हील्स में बहुत ज़्यादा कर रही थी अब मैंने रिसेंटली जो है किटन हील्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है और ये भी मुझे इसी तरह मैं वाइट हील ढूंढ रही थी और मुझे नहीं मिल रही थी मैंने मॉल में देख लिया हर जगह देख लिया मुझे नहीं मिल रही थी तो आपको कोई चीज़ चाहिए होती ना नहीं मिलती है सो so, मैं गई ढंडा बाज़ार और मुझे वहाँ पर मिल गई ये बाई चांस मिल गई मुझे थ्री हंड्रेड में ही और ये बहुत अच्छी मिली मुझे ये बहुत कम्फर्टेबल है इसको मैंने पहना था ईद पर अपने एक ड्रेस के साथ और मैंने ऑलमोस्ट पूरा दिन ही तकरीबन दोपहर में आप तैयार होते हैं रात डिनर सब गुजरते गुजरते सो ये मैंने पहनी थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी इतनी स्मार्ट लगी थी ना ये और पहने में बहुत कम्फर्टेबल है इससे बिल्कुल भी पाऊँ मेरा थका नहीं था मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ के okay, ना आप पाँव में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है कुछ जूते होते हैं जिन्हें आप पहने ना तो आपके पाँव में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है मेरे पास एक है और वो 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 ऑल्लो बाहर का बट आई डोंट नो उसमें क्या इशू है मैंने एक ही दफ़ा पहना है लेकिन उसके साथ ये मसला है लेकिन ये वाला बहुत अच्छा था ये बहुत कम्फर्टेबल है इसको मैंने अपनी ईद के ड्रेस के साथ स्टाइलिंग इसकी जो की थी मैं आगे, आगे आपको उसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ एंड ट्रस्ट मी नो बड़ी कैन गेस के कहाँ से लिया हुआ है और कितने का लिया हुआ है मैंने आपको बताया ना आप क्या चीज़ उठाते हैं और आप उसको स्टाइल किस तरह करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है सो इट डजेंट मैटर कि आपने लंडे से लिया या कहाँ से सरिए और जहाँ पर मैंने ब्लैक और वाइट के इतने सारे शूज़ इकट्ठे किए थे मेरे एक बहुत डर था एक ब्राउन शूज़ लेने में क्योंकि जो इस तरह के न्यूड और ब्राउन वाले शेड्स होते हैं ना ये आपके बहुत सारे कपड़ों के साथ सह जाते हैं और ये पहने में बहुत अच्छे लगते हैं सो मुझे ये वाला इसका जो डिज़ाइन था ये मुझे बहुत अच्छा लगा सो मैंने ये भी ले लिया और ये भी इसी रेंज में थी टू और पहना हुआ कैन सी ये बहुत अच्छा लग रहा है इसके इसको मैं ऑलरेडी एक दफ़ा पहन भी चुकी हूँ मैंने एक बर्थडे पे पहना था इसको विद ब्राउन कलर की जो पोलका डॉट मैक्सी थी उसके साथ तो ये पहना हुआ बहुत स्मार्ट लगा था और कंफर्टेबल तो है ये था ही क्योंकि जूता लेते हुए आई थिंक सबसे पहली चीज़ देखनी होती है ना यही होती है कि कम्फर्टेबल कितना है क्योंकि अगर जूता आप महंगे से महंगा ले रहे हैं सस्ते से सस्ता ले रहे हो और पहने में वो कम्फर्टेबल ना होना तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता एंड एज यू कैन सी के पहना हुआ बहुत स्मार्ट लग रहा था और जी ये जो मैंने रिसेंट ली लिया जूता है ये मेरा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये पहनने में इतना कंफर्टेबल है सुपर कम्फी अब तक के जो सारे जूते हैं ना सो मेरा सबसे फेवरेट है ये और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जूता है टेन आउट ऑफ टेन कंडीशन इसके इस, इस, इस पर टैग भी लगा हुआ है और ये मुझे मिला फाइव हंड्रेड रुपीज़ का और ये एज यू कैन सी के इसकी कंडीशन एकदम फिट और ये पहना हुआ इतना प्यारा लगता है ना ये मतलब लहंगों के नीचे शरारों के नीचे पहनने के लिए मैंने बेसिकली ये लॉन्स में जो भी वेडिंग्स होती है ना ये मैंने उसके लिए लिया है और ये वैसे उसके बिना भी पहना हुआ बहुत स्मार्ट लग रहा है और इस ड्रेस के साथ तो हर सारे जूते बहुत अच्छे लग रहे थे सो ये फिलहाल का मेरा जो है ना टॉप फेवरेट जूता है क्योंकि इसकी हील भी आपको वो देता है जो मुझे चाहिए होती है एटलीस्ट फाइव टू सिक्स इंच की जो हील चाहिए होती है वो भी दे रहा है और पहनने में भी सुपर कम्फी है उसको पहन के आप थक भी नहीं सकते हैं सो आप बेशक चार पाँच घंटे का फंक्शन अटेंड कर लें और एक ये पिंक के शेड में मेरे पास हील है अच्छा इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी आ, अंदर से लाइक थोड़ा सा इसका अंदर से वो था इशू लेकिन ये बाहर से बिल्कुल परफेक्ट था सो मैंने ले लिया इट्स ओके okay. तीन सौ में आई थिंक आप अगर एक दो दफ़ा दो पहनते भी हैं ना और उसके बाद आपको डिस्कार्ड भी करना पड़े सो इट्स नॉट अ बैड डील और यह पहनावा बहुत स्मार्ट लगता है एज़ यू कैन सी और ये इस तरह के ड्रेसेज के साथ जिनके साथ आपको मोस्टली न्यूट चाहिए होता है उसमें बहुत मजे का लगता है और इसकी हील भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा हाई हील नहीं है कोर्ट शूज़ में है ये और आप कोट शूज़ तो आई थिंक आप कैजुअली भी लंच के साथ भी डिनर के साथ भी पहन के जा सकते हैं कहीं पे भी फ़्लैट में है मेरे पास एक और जूता और ये सुपर कम्फी जूता मतलब होता है ना जैसे आपने कहीं बाज़ार जाना हो मॉल वगैरह जाना हो तो ये पहनने में इतना स्मार्ट लगता है और उसकी सबसे तो बेस्ट चीज़ यह कि इसका कलर जो है वो so, ब्राउन है सो ब्राउन कलर का जो जूता है वो बहुत सारे कपड़ों के साथ मैच हो जाता है इसका कोई इशू नहीं होता है एज यू कैन सी कि ये बिल्कुल टैगड न्यू जूता था और ये मुझे वही थ्री हंड्रेड में मिला था और इसका हैवी ये लेदर का बना हुआ मतलब बिल्कुल परफेक्ट जो है पहना हुआ है एज यू कैन सी कि कितना स्मार्ट लग रहा है मतलब तो ये ब्लैक के साथ भी इतना अच्छा लग रहा है ये ब्राउन के साथ मतलब तो आप बहुत सारे कलर्स के साथ इसको कैरी कर सकते हैं समर्स में ये हर तरह के ड्रेसेस के साथ जो है ना चल सकता है विंटर्स में अगर लाहौर जैसी सर्दी है तो फिर तो आप पहन सकते हैं और ना अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उसमें तो है मुझे नहीं लगता कि पहना जा सकता है विंटर्स में मोस्टली मुझे लगता है पम्प ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं सो so, ये वाला है फ्लैट में अच्छा फ्लैट में मेरे पास यही दो जूते थे सो so, ये दोनों जो है सुपर कम्फर्टेबल जूते हैं और मतलब तो बहुत प्यारे हैं ये मेरे फेवरेट हैं जी ये और एक और हील है जो कि है ब्लॉक हील टाइप सी आई डोंट नो इसको ब्लॉक ही कहते हैं और इसका जो कलर है ना ये स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि आप इस तरह का जो कलर के जूते होते हैं ना बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं जैसे जिनके साथ आप ये पहन सकते हैं मैं आपको भी बताऊंगी कि मैंने इसको किस कलर के ड्रेस के साथ पहना था मैंने इसको पहना था लाइल कलर के ड्रेस के साथ और इतना स्मार्ट लगा था इतना स्मार्ट लगा था ना बहुत प्यारा जूता लग रहा था ये और पहनने में ये बहुत कंफर्टेबल है अच्छा इसको मैं एक दफ़ा ना कहीं बारिश में भी पहन के जा चुकी हूँ जिसकी वजह से इसके अंदर आपने देखा है ना प्रॉपर उंगलियों के निशान लग गए हैं और ये जब मैंने लिया था बिल्कुल एवं कंडीशन में था इसको थोड़ा सा जो खराब किया वो मैंने किया है लेकिन ये अभी भी पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो फिंगर प्रिंट्स जो है ना वो इतने विजिबल नहीं होते हैं पहनने के बाद नजर नहीं आते हैं और एज यू कैन सी कि ये इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है और इसको मैंने बेसिकली जो स्टाइलिंग की थी ना इसकी लिए मैंने इसको मैंने ईद पे पहना था क्योंकि मुझे ईद पे उस ड्रेस के साथ ना कुछ खास समझ नहीं आ रहा था इसको आप सिल्वर जहाँ पर आपको चाहिए होता है ब्लैक चाहिए तो आप उस तरह के ड्रेसेस का तो इसको कैरी कर सकते हैं एज यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है और ये है मेरे पास एक बहुत प्यारी सी रेड कलर में हील इसका भी मुझे जो स्टाइल था वो बहुत अच्छा लगा था ये स्ट्रैप्स जो है पहनने में इतनी स्मार्ट लगती हैं मैं भी आपको पहनकर दिखाऊंगी एंड इट्स सुपर कम्फर्टेबल और हाई हील भी है जिस तरह की मुझे चाहिए होती है सो उसके लिहाज से बहुत अच्छा जूता था ये भी आपको मैं पहन के दिखाती हूँ हुआ इतना प्यारा लगता है इतना प्यारा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ और मेरे पास रेड में जो है ये ऑलमोस्ट अब थ्री जूते जो हैं मेरे पास हो चुके हैं है जिसमें से ब्लॉक हील वाला शायद मैं इसको निकाल ही दूँ और एज यू कैन सी के पहनावा कितना स्मार्ट लगता है इस तरह के जो स्ट्रैच आपसे ना देखने में बहुत मैसी मैसी सा लुक देती हैं लेकिन जब आप इनको पहनते हैं ना ये बहुत प्यारी लगती हैं आपके पाओं पे हसीन और इसको भी मैं ऑलरेडी एक दफ़ा पहन चुकी हूँ अपनी बेटी की बर्थडे पे मैंने इसको पहना था सिल्क के येलो कलर के ड्रेस के साथ और ये बहुत स्मार्ट लग रही थी उसके साथ मैं आगे उसकी पिक्चर भी अटैच करूँगी सो यू कैन सी ओवर देयर कि किस तरह का उसके साथ लुक जो है लग रहा था एंड एज यू कैन सी कि कितना अच्छा लग रहा है और ये है एक फॉर्मल टाइप का सिल्वर कलर में जूता जो मुझे बहुत अच्छा लगा था मैंने ले लिया ये मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है और इसकी कंडीशन आई कैन से एट आउट ऑफ टेन थी और ये फिलहाल थोड़ा पड़ा पड़ा भी गंदा हो गया क्योंकि ये सब जूते मैंने वैसे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं क्योंकि जूते ज़्यादा हैं तो जगह कम हो जाती है रखने की सो उसी के लिहाज से जी इसकी कंडीशन हुई हुई है लेकिन स्टिल इट्स टो गड और ये मैं जब इसको पहनूंगी ना इनो के बहुत हसीन लगेगा और ये है जी मेरे इस ओवरऑल जूते जो सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं जो कि मैंने लिए मैं लंडा बाजार से सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है दिन आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपको कौन सा जूता सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरा जो फेवरेट है वो ब्लैक कलर का जो वेज आई से के होता है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सो so, उसके अलावा बाकी सब जूते भी डेफ़िनेटली अच्छे लगते हैं तभी लिए थे मैंने और एंड सुपर कंफर्टेबल भी हैं सो so, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे करूँगी एंड और मैं अपने डिस्क्रिप्शन uh, में जो है बहुत सारे थ्रिफ्ट स्टोर जो हैं जो कि ऑनलाइन अब अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पर मैं उसके लिंक्स जो है वो पेस्ट कर दूँगी सो so, आप वो विज़िट करके देख भी सकते हैं सो so, इसी के साथ अल्लाह हाफ़ अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो बाई